पुलिस भर्ती के दूसरे दिन भी पौने 300 से अधिक अभ्यर्थी जंप नहीं लगा पाए। 222 अभ्यर्थी लंबी कूद और 56 अभ्यर्थी ऊंची कूद स्पर्धा में बाहर हो गए, जबकि 110 अभ्यर्थी 1500 मीटर लंबी दौड़ में फेल हो गए। 72 अभ्यर्थियों की लंबाई कम निकली, जबकि 3 अभ्यर्थी छाती का निर्धारित माप न होने पर बाहर हुए। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अजित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 19 जुलाई तक चलेगी। पुलिस भर्ती के दूसरे दिन भी पौने 300 से अधिक अभ्यर्थी जंप नहीं लगा पाए। 222 अभ्यर्थी लंबी कूद और 56 अभ्यर्थी ऊंची कूद स्पर्धा में बाहर हो गए, जबकि 110 अभ्यर्थी 1500 मीटर लंबी दौड़ में फेल हो गए। 72 अभ्यर्थियों की लंबाई कम निकली, जबकि 3 अभ्यर्थी छाती का निर्धारित माप न होने पर बाहर हुए। जिला पुलिस विभाग दोसड़का पुलिस लाइन में पुलिस भर्ती का संचालन कर रहा है। जिले में पुलिस आरक्षी पुरुष महिला एवं चालकों के कुल 88 पद भरे जाएंगे। इनमें से 16 पद आरक्षी चालकों, 16 पद आरक्षी महिलाओं और 56 पद पुरुष अभ्यर्थियों के भरे जाएंगे। इन पदों के लिए जिले के कुल 5498 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, जिनमें से 1148 महिला अभ्यर्थी, 51 चालक अभ्यर्थी और 4299 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। पहले दिन मंगलवार को 500 में से 216 लिखित परीक्षा के लिए चयनित हुए। बुधवार को दूसरे दिन 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया, लेकिन 1190 अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता देने पहुंचे, जिसमें से 727 अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए हुआ है, जबकि 463 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गए। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अजित सेन ने बताया कि पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 19 जुलाई तक चलेगी।